लेडी जाओ सड़क से जाओ बेटी, लेकिन इतना याद रहे सड़क से जाओ और चमन घूमकर शाम होने से पहले तुम पहाड़ी पर आओगी। ठीक है पिताजी, जाओ बेटी जाओ, इजाजत है। नमस्ते। नमस्ते बेटी। लेकिन क्या अकेली जाऊं? अकेली नहीं जाओगी भीमा। ओ मंगरू इधर आओ, हमारी बेटी काजल चमन घूमने जा रही है, तुम हमारी बेटी काजल के साथ जाओ और शीघ्र ही चमन घुमाकर वापस आना। जाओ बेटी जाओ। अरे हाँ भीमा जाओ, देखो मंगल सिंह क्या कर रहा है, जाओ बोला कर जाओ, आज हम उससे कुछ बातें करेंगे। पिताजी को मंगल सिंह कहा बेटा? मंगल सिंह पिताजी आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आखिर क्या कहना चाहते हो आप? साहब से कहो मंगल सिंह। और पिताजी जा हमारे दिल में इच्छा हुई है कि हम बाग में थोड़ा घूम टहल कर आए। कोई आपको दिक्कत तो नहीं होगी? मुझे कोई तकलीफ नहीं है बेटा। और ठीक है, लेकिन हमारी भी बात सुनो बेटा। और बोलिए। अरे जाओ बेटा मगर इतना तो तुम्हें पूछेगा कि तुम्हारे पिताजी का अड्डा कहाँ है तो मंगल सिंह बता देगा? कभी नहीं बताएगा। बेटा मंगल हम तुम पर विश्वास करते हैं कि हमारा बेटा मंगल कभी अपने अड्डे का पता और अपने किसी को नहीं बताएंगे। किसी को नहीं बताएंगे मंगल सिंह जा। लेकिन कोई पुलिस का जासूस मिलता है या कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाता है तुझे गोलियों से भून कर रखते हैं। कसम गंगा मैया की, अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया एक एक को चुन चुन कर मारूंगा पिताजी। वाह 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 मंगल सिंह वाह, जाओ बेटा जाओ। लेकिन हाँ कहा तो तुम्हारे साथ भीमा और सेरा को साथ में भेज दूं। नहीं बहन, ए भीमा को भेज दो और ये टोपीलाल, ए टोपीलाल इधर आ। क्या नाम है तेरा? केवल टोपीलाल। तुम मेरे बेटे मंगल के साथ जा और हाँ वफादारी से इसके साथ रहना, अगर कोई गलती किया तो गोली खाएगा। हम तुझे मंगल सिंह अगर ये जरा से चापलूसी करता है उसे तुरंत खुराक दे देना।
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मंगल सिंह को ये नहीं पता है कि हमारा डैडी है, लेकिन नहीं, हम तो इसे अपने काम के लिए उठा कर लाए हैं। गरग सिंह कभी कच्ची गोली नहीं खाता, बराबर पक्की गोली खाता है। ये मंगल सिंह मुझे पिता जरूर मानता है, अगर मुझसे दखल अंदाजी करेगा तो एक दिन मंगल सिंह भी गोली खाएगा। आओ चलते हैं, जय मां भवानी। कबीले पर बैठे बैठे हम भोर हो रहे थे। हाँ सरदार, आज हमारी दिली इच्छा है कि हम चमन में टहलेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, कौन बात बताई? वो मिलेगी ठेका तो बंद होई बाबू। बंद होगा? बंद होई कहो कहो, घर से निकाल लाई जाए। अरे जैसे भी हो लेकर लेकर आ। आज मंगल सिंह ऐश करेगा, ऐश पेगा, झूमेगा, नाचेगा। सरदार जी, ठेका तो बंद रहा मगर नदिया किनारे भटिया चढ़ी रही है। इसके घर से लाया रे भाग गया। इसके काम करो, ओ सिल तोड़ दो। परिवान का बोना छूटा है ससुर के। तोड़ दो से। तो गिलास नहीं लेकर आया बाबू? आप पियो बाबू, हम पिया जानो। पियो नहीं तो कब बता जानेंगे साले। साले पीने को बोलता था पिया भतार की बात करता है। अब बाबू मान लिया, पिया दियो हमें तो चढ़ जाएगा। नस नहीं, हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगा साले। अरे नशा बोला तेरे बाबू, नशा चढ़ जाए भाई नशे में तो हमारे पाए। ओए भाई अगर बोलेगा ना, नहीं तो कहो मान ले बाबू तुम्हें तो मैं ये हम पिलाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। टैबलेट रखे हो ज्यादा हो जाए तो तुरंत ले। साले हाथ धोने की है। अबे हाथ कहाँ धोए? फिर क्या करो? ऐसे कर मोल साले पीना हो। आराम से पीना। इतना पलटी नहीं, पलटी नहीं करना। ओ सरदार जी, शानदान जी क्या बोला थे? सरदार जी बोलेगा बाबू, पखौरा मंगवा। पखौरा? पखौरा खाएगा सारे? पखौरा नहीं, अभी सारे तुझको गोड़ मंगवा दिया। अरे पखौरा बोला थे? पखौरा ना हुआ ना बाबू, बोले बजा बोलेगा बाबू। तभी तो उठाओ उबेले अंडा मंगवा। उबेले अंडा अभी और खाए आता रे? उबाले अंडा बोलते हैं। हाँ बाबू, उबाले अंडा हो ना, चोर मीन बाबू। ओह चोर मीन? अरे ससुर के चाऊमीन बोला तेरे। चलो कोनो धुआं धक्कड़ के
जलाओ। कहाँ से लेकर आया चीजिया तो बड़ी यार नदिया के किनारे बाबू और भटिया चढ़ी रहे हेलो एजेंट स्टार ओम प्रकाश यादव ये आगे भैया ओम प्रकाश यादव जो कि बेटा खुर्द के रहने वाले हैं ये 1 रुपए घर मालिक का व्यवहार दे रहे हैं 10 रुपए हमारे कंपनी को इनाम दे रहे हैं धन्यवाद। टोपी के लाल और सिगरेट रापुन बोलो सिगरेट रापुन बोलो जला गला शराब ये बोल कुछ कहना चाहती है कहते हैं कि लोग कहते हैं कि शराब खराब होती है लेकिन अपन बोलता है शराब खराब नहीं होती केवल इसको यूज करने वाले खराब होते हैं ये तो वो चीज है कि अगर इसी तरीके की महफिल सजी हो अगर 2-4 बाटली रख दिया जाए ना तो महफिल का रंग क्या करने और
चमन दूरा गई ना। हाँ चमन चमन आवे वाला है, वहाँ देखने अच्छा लग रहा है। हाँ वो चमन है ऊंची पहाड़ी पर, वो दर्द दिल कुछ और कहो। क्या कहो? मुझे सैया कहो। क्या तुम मेरे भाई हो? अरे चल आई भाई 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 कुछ नहीं देख हमारी बात सुन। तेरे गोरे गोरे गाल गालों पे काला तेल कैसे लागे राघु मंगल सिंह को दिल। एक बार बताऊं और लगी आग दिल में हमारे बुझा और चमा तो रस्ता
क्या कहती हो तुम्हारे सामने से मैं भाग जाऊं? हाँ हाँ, तुम मेरे भाई हो और ऐसा घिनौना काम करते हो। भाई तो यहाँ पर बहन कौन भला मानेगा, और करूंगा प्यार जबरन कौन आएगा, और मेरी जान मन तुम मेरे पास आओ। देखो काजल मान जाना, दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे तो चंद मिनटों की दे बात है, कहा हाथ नहीं लगाना। हाँ हाथ नहीं लगाएंगे, पैसा देना है अपने माँ बहन को दे। हम बात मान देखो काजल, हर गोरिया मान जाना, हर गोरिया सच हूँ मैं जन्नत की हूर लगी, कसम से रानी जलमान जा हमारी बात को। मंगल सिंह जो चीज पसंद करता है ना, उसे अगर प्यार से नहीं मिलती है उसे छीन लेता है। अरे भैया आप मेरे साथ ऐसा काम करेंगे? भैया नहीं मैं तेरा, आज दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मंगल सिंह के हाथों से नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, आप
मैं जाऊंगा आप होश में नहीं है लेकिन तेरी इज्जत को रास्ते में रोड़ा बनने को आ गया और भाग यहां से जा चला बचा के अपनी जान Thank you.